जय माता दी गाइस, कैसी हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे, माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, हम लोग आ गए हैं नेपाल बॉर्डर के पास हैं और यहाँ पर हमारे देवर जी क्या बनाने वाले हैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। ये डिग्गी खोल दो, शक्कर ले आइए, नींबू पानी सबको बना के दे देते हैं। पूजा दो तीन लोग इसको नचुआ दो बस, नहीं एक जन का हाथ तरह दो। हम ड्राइवर भी रखो, बहुत कंकड़ है। वाह, क्या ग्रीन ग्रीन सीनरी है। दो ब्लॉग हम लोग सब लोग देख चुके हैं। अच्छा अच्छा, चाची जी आनंद है पहाड़ों के बीच में। क्या चाहिए ना राइस? ये गाइस, ये है हमारा राइस जो सुबह फ्राई करके लाए हैं, चना राइस। यहाँ पर सभी लोग प्रसाद ले रहे हैं, प्रसाद रूप में है राइस, है ना बहन? प्रसाद रूप में राइस है। कितना भी भागोगे कैद हो जाओगे। ये देखिए गाइस, नेपाल का पहाड़। यहाँ पर खेती नहीं होती है। खेती में क्या होता है यहाँ पर? वो मक्का, मक्का होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा मक्का ही है। अच्छा अच्छा, और यहाँ गेहूँ चना ये सब नहीं होता ना? गेहूँ होता है। अच्छा गेहूँ होता है, लेकिन यहाँ तो चारों तरफ हमको सिर्फ पहाड़ी पहाड़ नजर आता है, तो गेहूँ होता कहाँ है? अपने बांधा साइड तो खेत रहते हैं जहाँ पर गेहूँ होता है। देखिए गाइस, पीने का पानी हम लोग लेकर के जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, अभी हम लोगों को ना शक्कर डाल करके यानी शरबत बनाना है, नींबू डाल करके सब लोगों को पिलाना है यहाँ पर। धान की खेती तैयार है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो धान है दिख रहा है। अच्छा जूम जूम करके दिखाते हैं। ये देखिए गाइस, ये है यहाँ पर धान की खेती। भैया सब लोग कैसे नीचे जाते होंगे, कैसे ऊपर आते होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, हमको देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन उन लोगों के लिए आसान होगा, है ना, जो लोग यहाँ रुकते हैं। लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है, यहाँ का मौसम कितना ठंडा है। हम लोग यहाँ पर लेकिन बहुत ही अच्छा लगा, ऐसे लगता है यहाँ से जाएं ही ना। ये देखिए देवरानी जेठानी का प्यार और क्या आनंद है। सच बताया ना, जब हम लोग अपने ससुराल में इकट्ठे होते हैं तब एक ही थाली में ना हम सब लोग बैठ करके और कुछ भी यानी नाश्ता होता है, भोजन होता है ना, तो खाने लगते हैं, तो वही सब की यादें। नींबू वाला शरबत भी बन गया। बड़ी मक बुलाओ, दो गिलास पिया पहले। हां सर, कर पियो। अरे बुला रहा हूं जी, टेस्टी है शरबत, बहुत सुंदर है। रुका रुक, मीठा कम है, बहुत है। ले भाई, ले भाई, मुंह दे दे उनका। पीजिए शरबत भाई, पीजिए नींबू वाला शरबत। ले मम्मी, नींबू का जो बीज जाएगा ना पेट के अंदर, उसमें पेड़ निकलेगा। जब अगली बार हम लोग आएंगे घूमने तो उसी पेड़ की नींबू तोड़ेंगे। पूजा, जो नींबू का बीज जाएगा पेड़ निकलेगा पेट के अंदर, अगली बार हमको नींबू नहीं खरीदना पड़ेगा। तो मामा जी निकालेंगे क्यों पूजा? नींबू का पेड़। अच्छा अच्छा पापा, ठीक है। तो ये हमारे बच्चे कहाँ गए? ए बच्चा पाल्टी, तो ये लोगों को ना बिल्कुल डर भी नहीं लग रहा है। उधर हम लोग ना नाश्ता यानी चाय पानी में रह गए, बच्चे हमारे इधर मस्त हैं। चलिए आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाते हैं कि बच्चे कहाँ गए हुए हैं। आप लोगों को ना यहाँ का पुल दिखाते हैं कि मतलब इस पहाड़ से उस पहाड़ के लिए कैसे पुल बना हो। गाय जी देखिए, आपको शायद नहीं दिख रहा हूँ, भैया जी के साथ मस्ती कर रहे हैं, आप दिखा रहे हैं आप लोगों को बैक कैमरे। देखिए गाइस, ये है यहाँ पर लोहे का पुल, यानी लोहे से बना हुआ पूरा पुल है। और वो देखिए, पुल ही तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं हमको तो कुछ समझ में नहीं आता। अपनी बांदा की भाषा तो यही है कि ये तो है पुल है, जैसे गंगा जी का पुल, यमुना मैया का पुल। और देखिए बच्चे, हाय बाय। अरे बेटा ये तो बहुत अच्छा है, डर भी नहीं लग रहा है। लोहे का कितना कंप्लीट पुल बनाया गया, इससे गाड़ियां भी जाती होंगी। अच्छा इससे गाड़ी जाती होंगी, कितनी दूर दूर तक पहाड़।
नहीं डर लग रहा है क्या? डरना है? नींबू पानी खत्म हो रहा है, जल्दी जल्दी जाओ, जिसको जिसको पीना है। मनु पीना है, मनु पीना है, जाओ दौड़ के पियो, फिर आ जाना, जाओ 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 जल्दी, नहीं भी फिनिश हो जाएगा, जाओ। आपको नींबू पानी, जय माता दी गाय। अरे वाह, वहां तक जाना पड़ेगा अगर आएंगे तो। पर्वत के बीच में ना आनंद ही आनंद है, क्या ठंडी हवाएं चल रही हैं और क्या हम लोग सब मस्ती करें। हमारी YouTube फैमिली, आप लोग भी मस्ती में डूब जाइए जैसे हम लोग मस्ती में डूबे हुए हैं। और सच बताएं ना, यहाँ से पर्वतों से ना जाने की इच्छा ही नहीं हो रही है, लेकिन हमारे ना पैर कांपने लगे थे। अब यहाँ से वापस हम जाते हैं और बस सामने बैठ करके आनंद लेते हैं पर्वतों के बीच। सब ना काफ़ी दूर तक चले गए, हम तो आधी दूर से ना वापस आ गए हैं क्योंकि डर लग रहा था मुझे ना ज़्यादा ऊंचाई से। जैसे ज़्यादा ऊंचाई में खड़ी होती हूँ ना, कि नीचे को देखती हूँ ना, तो ऐसे लगता है कि हमारा सर पूरा घूमा जा रहा है। हम बच्चे तो बच्चे ही अपना दौड़ लगा रहे हैं, बच्चे ना पूरे मंकी है होते हैं, दौड़ लगा रहे हैं। ओके गाइज, वो दौड़ लगाते हुए आ रहे हैं, पापा जी भी गए हैं बच्चों के साथ, कह रहे हैं हमको भी फ़ोटो क्लिप करवाना। चारों तरफ कितना ऊंचाई से पहाड़ है, पर्वतों का खूब आनंद ले लिए हैं। बस यहाँ से झूमते हुए और ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद लेते हुए अब जा रहे हैं और देखते हैं कि सब लोग क्या कर रहे हैं। वैसे यहाँ पर ना हम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ता है, हमारे गुड्डन भैया है ना सबका बहुत ही ध्यान देते हैं। जैसे कार रुकती है ना, वैसे जितने बैग रखे हुए हैं जिसमें खाने पीने का सामान है पूरे बैग निकाल लेते हैं और बस यही कहते हैं कि चलो शिकंजी बनाते हैं, सत्तू का शरबत बनाते हैं। सच तो ये है कि भोले बाबा की महान कृपा है कि किसी को कोई परेशानी नहीं हुई है और उसी तरह हम लोग सब हरे भरे हैं। सस्ते नशे वाला जुआ ही दे लुको, हम लोग वहाँ पहाड़ों में चढ़ रहे हैं, सस्ते नशे कर रहे हैं, सब अपनी अपनी मस्ती में लगे हुए हैं। नहीं, कुछ लोग पहाड़ों में चढ़ रहे हैं, हाँ, कुछ लोग सस्ते नशे कर रहे हैं। भैया हमको खूब पहाड़ों में चढ़ाए, अच्छा अब यहाँ से ना जाए। पापा अकेले गए थे, अपना ग्रुप लेकर के नहीं गए थे वहाँ पर। मेरी पसंद सबको पसंद आई थी, हम जवाब में 60-60 चूल्हे 75-75 लोग गए देखे कोट करवा ले सिया ले ना ठंडी आए अगवा लाई ना लागी बहुत दिन चलता है इधर से कर ले। अब हम लोग अपनी अपनी कार में बैठ करके और आनंद लेते हुए पर्वतों के दर्शन करते हुए निकल लिए हैं। और आप लोगों से बताएं, जिस समय हम लखनऊ से निकले थे उस समय तो हम लोगों के मन में ना एक डर सा बैठा था कि इतनी गर्मी है, सब अपने बड़ों को लेकर के जा रहे हैं, कैसे क्या व्यवस्था होगी, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र है और ये सफ़र में हम लोगों का तो चल जाता है, बट जो बच्चे होते हैं छोटे और अपने जो बड़े होते हैं उनका बहुत ही ध्यान देना पड़ता है। लेकिन बस हमारी यूट्यूब फैमिली, आप लोगों का प्यार है, सबका आशीर्वाद है और भोले बाबा की महान कृपा है, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई है। जैसे यहाँ पर्वत हरे भरे हैं ना, वैसे हम लोग 21 लोग हैं, सभी लोग हरे भरे हैं और इतना लंबा सफ़र करने के बाद हम लोग वापस अब चल रहे हैं। अब हम लोगों को गोरखपुर जाना है और गोरखपुर में स्टेशन में पूरे 5 घंटे रुकना है क्योंकि हम लोगों की ट्रेन ना 11:30 बजे रात में है। और यहाँ पर देखिए हमारी नंद रानी की सासू माँ ना पत्थर ले रही हैं, कह रही हर एक पत्थर में है भोले बाबा, तो यहाँ पर हम लोग भी दर्शन कर रहे हैं और वो भी पत्थर ले रही हैं। जितने भी छोटे छोटे मंदिर यानी मिल रहे हैं वहाँ के भी दर्शन कर रहे हैं। और ये हमारी नंद रानी की नंद रानी है, तो सबके साथ ना सफ़र में आनंद ही आनंद था। हमने कभी सपने भी नहीं सोचा था कि मतलब इतने सब लोगों के साथ इतना हमको आनंद आएगा। कभी कभी होता है ना, घर से जब निकलो ना तो लगता है अपने सब बड़े हैं, हमको पर्दा करना पड़ेगा, सफ़र में क्या कैसे होगा। लेकिन सच तो ये है कि बहुत ही अच्छा लगा, सभी बड़ों ने हमारा इतना साथ दिया और मतलब हर जगह ना हमारे चाचा पापा चाची जी लोग सब लोग मतलब इतना घुल मिल कर के हंसते बोलते, सफ़र का बिल्कुल पता ही नहीं चला। तो ऐसे ही होना चाहिए फैमिली में, मतलब
कभी हमने जो कभी कभी होता है ना, जो चीज़ हम लोग सोचते ही नहीं ना वो हमारी पूरी हो जाती है। जब हम लोग काफ़ी सोच लेते हैं ना तो वो हमारा पूरा नहीं होता है, इसीलिए तो यहाँ माता रानी के भी दर्शन कर लिए। इसके बाद आगे कहीं फिर हम लोगों का विश्राम होगा, देखते हैं कुछ ठंडा गर्म लेते हैं, यानी गन्ने का जूस वगैरह लेते हैं, क्योंकि हर एक घंटे में कहीं ना कहीं स्टाफ हम लोगों का मतलब रुकता था और हम लोग सब कुछ ना कुछ अपना खाते पीते थे। कभी रहता था कि कार से उतर करके कुछ खाते पीते, कभी रहता था कि जो बैग वगैरह हमारे रखे हुए हैं खाने पीने का इतना सारा सामान था, और हमारी नंद रानी जो थी विनोदा बिट्टी लखनऊ से थी, काफ़ी सामान ले करके भी गई थी, तो अपने अपने कारों में ना सभी का खाने पीने का सामान था। सो गाइज हम लोग अब आ गए हैं, यानी नेपाल बॉर्डर हम लोग पार कर चुके हैं और बस हम लोग गोरखपुर पहुंचने वाले हैं। इसीलिए ना यहाँ जी उधर से जब कारें आती हैं ना तो यहाँ तो पहले पुलिस वाले जांच करते हैं, इसके बाद आगे जाने देते हैं। और यहाँ पर हम सब लोग ले रहे हैं गन्ने का ठंडा ठंडा वाला जूस। सो गाइज आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ, जूस लीजिए। और हमारे देवर जी ना सच बताए ना खाने पीने का बहुत ही ध्यान देते थे, और यहाँ पर देवर भौजाई के बीच में इतना ज़्यादा प्यार हो रहा है कि पूछिए नहीं। तो यहाँ पर अपने देवर जी को पहले पिला देते हैं, फिर खुद हम पीते हैं। और जूस वैसे इतना अच्छा तो नहीं था, हमने सोचा ठंडा रहेगा, लेकिन ठीक है, काम चलाऊ वाला है जूस यहाँ पर। सो गाइज हम लोग आ गए हैं गोरखपुर स्टेशन, और गोरखपुर स्टेशन से ना जो भैया जी लोगों की कार है ना, हम लोगों ने ना कार यहीं से किया था गोरखपुर से ही, तो भैया जी यहीं गोरखपुर के ही हैं, यानी तीनों लोग जो हम लोगों की कार लेकर के गए थे, और सब बहुत ही अच्छे हैं। जितनी भी तारीफ करें उतना ही कम है। कभी भी अगर आप लोगों को जाना हो तो ज़रूर बताइएगा, हम इंस्टाग्राम में इन लोगों के फ़ोन नंबर भी दे देंगे। और हमेशा इन लोगों की कारें ना यहाँ पर चलती रहती हैं, यानी तीर्थ स्थल में लेकर के जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कार से पूरा सामान हम लोगों को निकल करके बाहर आ गया है, और सबकी आवाज़ें सुनाते, आप लोग भी सबसे मिलिए। जी जी जी, अरे कोई बात नहीं, हमारी पूरी फैमिली है। भैया जी लोगों ने बहुत अच्छी कार ड्राइविंग किया, किसी से तकलीफ नहीं हुई, हाँ कोई भी परेशानी नहीं हुई है, सच बता रहे हैं। अच्छा लगा हमारे साथ में सब भैया जी लोग जा रहे हैं, 5 दिन हम लोगों के साथ में रहे, बड़ा अच्छा लगा। देना चाहती क्या अब बाकी आपको बताएंगे। स्टेशन में ही हॉल है, एसी हॉल है, और यहीं पर हम लोगों ने अपना अपना बैग भी रख लिया है, सब लोग बैठ गए हैं। अब देखिए 4 घंटों में यहीं पर हम लोगों को सीताराम जपना है, और इसके बाद पूजा करें कि चलिए भाभी गोरखपुर, यानी गोरखपुर शहर कैसा है, चलो घूम करके आते हैं। तो हम चाची सब लोग बस चल निकल रहे हैं यहाँ से, और हम लोग आ गए हैं यहाँ पर चाट टिक्की वाले भैया जी के पास, यानी काफ़ी दूर में चाट टिक्की वाले भैया जी हमको मिले हैं, तो आप लोग भी इन सबसे मिलिए। गोरखपुर में देखिए हमारे देवर जी ने चाट और टिक्की की, यानी चाट और टिक्की का ठेला भी लगा दिया, आपकी दुकान आ जाएगी यूट्यूब पे। हाँ हम लोगों को लेकर के आए हैं, भैया जी का ठेला है, लेकिन भैया जी के देखो साथ में कैसे हेल्प करवा रहे हैं। हेल्प करवा रहा हूँ मैं, मेरी चाट इनकी बहुत अच्छी बोल रहे हैं भैया जी, इतनी भैया जी आपको अच्छा बनाना नहीं आता, हाथ से इनका चाट का और टेस्ट आ जाएगा, टेस्ट आ जाएगा। अच्छा अच्छा, मिश्रा चाट भंडार, हाँ ये दुकान का नाम है मिश्रा चाट भंडार। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, कहाँ के रहने वाले हो भैया? ठीक है, ओके गाइस, सब खाने वाले यहाँ पर खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। झटकेदार जायकेदार चाट भंडार। गाइस ये है गोरखपुर, हम लोग स्टेशन के पास में हैं। आप लीजिए देखिए कैसा कैसा मसाला है, क्या बोल रहे हैं, ये अच्छा है, मसालों से बना हुआ ये है, सोच लिया कि नाजरे खाएंगे तो डाल रहा है, ये 32 मसालों से बना है, ये कलर है क्या, ये एकदम टेस्टफुल आएगा एकदम। अच्छा दोनों लोग बनाइए तो और टेस्ट अच्छा आ जाएगा, दोनों लोग अपने बना रहे हैं। वोट किसको कर दे रहे हो? योगी बाबा, योगी बाबा आप वोट दे के जाइए, योगी बाबा जिंदाबाद। यहाँ कोई खड़ा ही नहीं, कौन योगी बाबा के अलावा खड़ा होगा, जो खड़े भी हुए थे कोई।
जिसको चटनी चाहिए तो वो डलवा लीजिएगा। मीठी है दोनों है। पहले रात में 10:30 बज रहे हैं, पूरे 4 घंटा हम सब लोग स्टेशन पर रुके रहे हैं। अब हम लोगों की ट्रेन आ रही है, हम लोग जा रहे हैं। पूजा जाएंगे इलाहाबाद, इलाहाबाद से बॉम्बे जाएंगे और हमारी बहन भी बॉम्बे जा रही है और हमारी चाची जी लोग सब लोग गांव जा रहे हैं। और आज का ब्लॉग भी काफ़ी लंबा हो गया, इस ब्लॉग का एंड भी करना चाहते हैं। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। हम सब साथ साथ फिर से जल्दी मिलेंगे पूजा के साथ है ब्लॉग में, कहीं ना कहीं फिर हम लोग टूर जल्दी जा पाएंगे। प्रॉमिस कर रहे हैं। बाय, जय माता दी, जय माता दी, बाय, जय माता दी।